एक्सीडेंट में मरी गई हूँ। वो लड़का में हट्टे कहल है क्या रे सेठ कतना तो टाका टाका गर्मी एक बारी उतार देबो टांगा लेके डराए गल है। अब पता नहीं की भले हमरा जानकारी ना है कि आज हरेक झारखंडी के खासकर धनबाद बोकारो में जे जे रहे हैं इधर तोहनी के करे है तो या तो टाका से कला लड़ या तो टांगा से लड़ क्या लड़ तो बताओ। तोर जमीन पंजीटू में चढ़ गेलो सीएनटी जमीन छपरिया के मिल गेलो। अरे सीएनटी जमीन एक छपरा के आदमी कैसे लेते जी सीएनटी के नियम की लगाए। एक आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। एक दलित का जमीन ओबीसी नहीं ले सकता है। तो सीएनटी जमीन यारा छपरा वाला कैसे लिया जी कैसे लिया जब आपका पड़ोसी नहीं ले सकता है आपका गांव वाला नहीं ले सकता है छपरैया सब कैसे लिया बताइए। तो यानी कानून के धज्जे उड़ाई कर एकदम तो काका यहाँ फरियाद लेके जीबे कलेक्टर हिया एसडीओ हिया सीओ हिया ककर हिया जीबे टाका के जोर चलो हो अगर लगा हो तो टाका ऊपर से बेसी कमाओ या तो कलेजा ऊपर से बेसी रख टांगा लेके अपन जमीन बचाए ले बचवे खातिर कोई ना है कोई। आज बहुत सारा मीडिया हमरा कहल है कि आप कानून की बात करते थे आप नियम की बात करते थे आपका स्वर बदल गया है। हम बोले आप मीडिया का काम छोड़िए दो साल हमारी गाड़ी में बैठिए घूमिए झारखंड में जो अत्याचार हुआ है पूरे ब्रह्मांड में नहीं हुआ। इसलिए आज हमको मजबूरी में बोलना पड़ता है कि हम तो हमारे दो नहीं एगो एक्स्ट्रा जन्माओ ओकरा बीएस खियाओ ओकर नाम आधार कार्ड में नहीं ओकर नाम वोटर कार्ड में नहीं ओकर नाम राशन कार्ड में नहीं ओकरा बीएस खियाए के बड़ो कर। और एक गो कहिए कि देख ले बीएसएल तो बाप के जमीन में हो लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिलल हो नौकरी छपरा यहाँ के मिलो हो तो यहाँ बदला लेना हो जे यहाँ अधिकारी जे यहाँ साठ गार्ड ओकर से बदला लेना हो इधर तो रहे बेटा के समझो। ये कोयलांचल की मजबूरी है ये कोयलांचल की मजबूरी है कि एक पढ़े लिखे नौजवान को एक पीएचडी करने वाले नौजवान को आज ये भाषण निकालना पड़ रहा है आज ऐसा बयान देना पड़ रहा है कहे न कहीं जो हमार जमीन राजस्थानी सेठ के चलाए दे लो हमार जमीन गुजराती के नाम हमार जमीन बिहारी के नाम हमार जमीन यूपी वाला के नाम अभी सीएनटी के जमीन बताओ गलत के है हम गलत है या डिप्टी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गलत है। डिप्टी कलेक्टर गलत है संविधान के गला वो घोटले है। इसलिए आज ये लड़ाई तो आने वाला भविष्य के लगो यदि आए तो नहीं लड़ ले आने वाला दिन के बोले नहीं पर तो एक बात बताओ आज हम अपने बात कर रहे हैं। दो साल पहले कोई हमरा जानो ना अलग दो साल पहले हमरा कोई चीनो ना अलग आज जहाँ खड़ा हुआ है लोग जमा हो जाए कहे नहीं बात गिला बोले के हिम्मत ककरो में ना। आज जिस बात पे हम बात कर लिए जगह में हम चर्चा कर लिए तो हिम्मत ककरो में ना अलग इस बात के माने तो सही खातिर दिखाई एक बात स्पष्ट है। ए दादी कहाँ गए लग रहे हैं ए दादी साहब ठंडा लग रहा लोके ठीक हो वॉलंटियर वाला करने हमने दोस्त थोड़ी है ठंडा लग रहा भाई। अच्छा दो चार को दादी सब बुढ़ाए गला तीन जाहिर सी बात है जाड़ लगे एक निकल लो कहा कि हमने ठोका टका ना है कि दादी के लग भोज करे पर मैं खंड 24 का बात कर भाई रखने का अभी बाँचे गए कम से कम 20 बच्चा कम से कम हमने जितना एक कुमारा साथी के लखनी बिहार देख के जाए गए भैंस सेकने के रोड पर कर भी कमेटी के जो भी वॉलंटियर है हाँ अक्का बाबू अगर पास ही है तो सामने ही एसआर पर बस है। तो आज कहीं ना कहीं इतना जी आदमी हमने सब जमा भेजा का कारण है क्या हो गए
कि आज जिस मुद्दा में हमने बात कर ली है उस मुद्दा में बात करे वाला कोई ना है, उस मुद्दा में बोले वाला कोई ना है। आज अगर हमने साथ जनता है तो कहीं ना कहीं ऊपर एक कारण है कि ऐसा ऐसा मुद्दा हमने उठा लिया जकरा वो लीडर में साहस नहीं करा कि वो मुद्दा के लिए उठेब। अब चूंकि लड़ाई हलाय डोमिसाइल पॉलिसी हमने स्टार्ट कर लिया 1932 के खतियान के आधार पर स्थान नीति। अच्छा एक बात बताओ, ठंडा सही में लागो की माय मौसी गिला सच्चे में ठंडा लागो की? तो भैसा आर 10 मिनट तो लगे करवे हमने। अच्छा तो नहीं घर कहाँ का राम नहीं दुर्गापुर? अच्छा भवानीपुर, ठीक है जब मैच से जिया का कि हमने हेमंत सोरेन थोड़ी लगे गेट बंद कर दे। सही बात है ठंडा के समय लगे जाहिर सी बात है हमने समझ रही है कि गलती हमने कर गलती कायजन समिति के है लिस्ट बनवा में गलती है। हम वकील साहब के 4 दिन से कह के रखा लगे कि वकील साहब अपने लिस्टवा मिला ली हो। खैर वकील साहब भी करते करते बेचारा टेंशन में है ऊपर से कांच कुमार बेटा छुआ लगे अगर क्यों रहते तो राति में लेते ले उखरू ठीक होते। तो देखा सबसे पहले लोकसभा के चुनाव हो 2024 में अभी बहुत जन संसद गिला आए के कहा तो मोदी जी के नाम लेके वोट मांग तो। अच्छा एक बात कहा तो ससुर के देख के बेटिया देत रहा कि ओकर दमदा के देख के देत रहा? अरे अच्छा यहाँ में से कितने लोग हैं जो ससुर जी का चेहरा देख के बेटी को देते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ कितने लोग हैं जो ससुर जी को देख के बेटी कन्यादान करते हैं? एको नहीं। अच्छा एक बात बताओ यहाँ कई को हैं जब भाई दमदा के देख के कन्यादान कर रहा? सभी मोटा मोटी सभी। तो सीधा बात है जब ससुरा के देख के बेटिया ना दे है तो मोदी के नाम लेके पान खाए वाला पीएम सिंह के वोट गया दबा ये मोदी के नाम लेके ये बिरंची महाराज के वोट कहा दबा ये मोदी के नाम लेके हमने बड़का दा कोका अमर बावरी के वोट कहा दबा जब ससुरा के देख के बेटिया ना दे भाग दमदे के देख के दबाग तो वोट ओकरे दिहा जे सांसद दमदार रहे। यदि तोर समस्या थाना में है तो ईमानदारी से बताओ तो कई गो आदमी मोदी जी के टेलीफोन लगाए के बोल भाग कि मोदी जी थाना में प्रॉब्लम हुए थोड़ा बात कीजिए क्या पर भाग ना है। लेकिन तोर बीच के अगर एमएलए रहतो तोर बीच की एमपी रहतो तो फोन कर भी कि जल्दी थाना फोन कीजिए भटवा बड़ी चाण ले अरे कि गलत बोल लियो कि इसलिए लीडर उसको चुनिए जिसमें योग्यता हो, लीडर उसको चुनिए जिसमें काबिलियत हो, लीडर उसको चुनिए जिसमें लड़ने का जिगरा हो। गलत बोल लिया के आज हमने के यहाँ के लीडर क्योंकि बुढ़ा आदमी लगाए और हम बोल रहे हैं कि चूल पकल के लगे ज्यादा हमें क्लास नहीं लेते रहे। लेकिन थोड़ा सा बता दे माननीय पीएम सिंह 3 बार के सांसद रहल पता कर अगर संपत्ति कितना है बहुत है पता कर अगर बेटा कहाँ है हाई कोर्ट में शायद वकील या जज जब भी लगे सुनाने सुना लिए पता कर अगर पुतहु कहाँ है यानी एक गैर झारखंडी सांसद जो 3 बार सांसद रहला है ओकर बेटी छुआ नाती पुता सब कहाँ पहुंच गया है और हमने आज भी 5 किलो चौरा खातिर जय मोदी जय मोदी जय पीएम। अब सवाल बनता है कि यदि सांसद पीएम सिंह जैसा नहीं हो, यदि सांसद जयंत सिन्हा जैसा नहीं हो, यदि सांसद सीपी चौधरी जैसा नहीं हो, यदि सांसद संजय सेठ जैसा नहीं हो तो सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद सुनील महतो जैसा होना चाहिए जमशेदपुर। सवाल बनता है जयराम बाबू टाइगर
सांसद पीएन सिंह नहीं चलतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं चलतो, सांसद संजय सेठ नहीं चलतो, सांसद जयंत सिन्हा नहीं चलतो, तो बताओ कैसा चलतो। छाती ठोक के बोले हो जकर में सुनील महतो जैसा कलेजा, जकर में सुनील महतो जैसा जिगरा रहा तो वैसे सांसद झारखंड में चलता। अब कोने बाल भी सुनील महतो के नाम कह ले लिए कि भाई सुनील महतो। हाँ, हर एक सांसद कॉमरेड एके राय बाबू, कॉमरेड एके राय जे अपन पेमेंट भी राष्ट्रपति फंड में दान दे दे। यदि सांसद धनबाद में होना चाहिए तो सुनील महतो या कॉमरेड एके राय जैसा होना चाहिए। सुनील महतो जो कलेजा में गोली खाया, एके राय जो फर्स्ट क्लास का नौकरी छोड़ दिया, फर्स्ट क्लास टॉप क्लास नौकरी, संसद का पेमेंट राष्ट्रपति भवन में जमा कर दिया। सुनील महतो नाम हम जोर से लेते हैं, कहे बताए। मेरा उम्र उस समय हार्डली 12-13 साल था, शायद हम छठा सातवां क्लास में पढ़ते थे। होली का टाइम था, लोग घर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे कि अरे सुनील महतो के मोरादल छिन रही है, तो लीडर है वो तैयार है, जो टाटा से लड़े के क्षमता हलाई, जो विस्थापन के लेके लड़े के क्षमता हलाई, जो कोयला के खदान में लड़े के क्षमता हलाई, अरे मोरादल छिन गोली मार के। यदि यहां जानकार लोग बैठे हैं तो आप याद कीजिए, शहीद सुनील महतो अगर जिंदा होते उस समय यूपीए की सरकार थी ना, उस सरकार में वो केंद्र में कोयला मंत्री बनने जा रहे थे। सुने थे कि नहीं माननीय दुर्गा चरण महतो जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं, क्या ये सही था कि नहीं कि सुनील महतो कोयला मंत्री केंद्र बनते। आप सोच के देखिए, अगर सुनील महतो कोयला मंत्री बनते तो झरिया बागमारा बेरमा में जो गुंडा है कोयला का वो पेंट में एक नंबर करता, छाती ठोंक के बोलते हैं। गूगल है, गूगल आपके पास है, हो सके आपने सुनील महतो को नहीं देखा है, गूगल देखिए। अरे बड़का बड़का चौपदा ही यह करिया करिया, ये पाल नियर चौकदार है, ये एकदम चट्टान नियर शरीर, दो होके फारले हमने नियर भाई भाई, ये इतना बड़का शरीर, ये इतना बड़ा गोल गोल आंख, अगर एक को माफिया में देखते लाए, चाहे कोयला माफिया रहे चाहे जमीन माफिया, छाती ठोक के बोल सकल यो कि दिन के 12 बजे पटवे एक नंबर कतले सही शख्स लगले सुनील महतो। कितना चालाकी के साथ मार दिया गया है, और अभी गिना लियो कि पीएन सिंह के बेटा बेटी देख कहां हो, अगर नाती पुता कहां हो, सुनील महतो की माई कहां है पता हो, और एगो भाई विकलांग लगे आज तोनी खून खोलना चाहे कि जगह रक्त झारखंड बनला और माई आशे है कि टूसु परब भेताए कि हमारा चंदा इनके दे। आज मीडिया के सम्मानित पत्रकार हैं, आप छापिए इसको गहराई से, जितने भी मीडिया के सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको नमन करता हूं, छापिए हमारी इस बात को गहराई से, क्योंकि आज जेएमएम की सरकार है, एक सांसद जिसका हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, जयंत सिन्हा का 50 करोड़ का प्रॉपर्टी है, और सुनील महतो का मां साल भर इंतजार करती है कि रीगल के मैदान में टूसू मेला लगेगा, उसमें 80,000-90,000 पैसा बचेगा, हमको खाने के लिए दिया जाएगा। अगर जितने भी सम्मानित पत्रकार हैं, 26 जिसके कलेजे से राज बना है, जिसके कतल से राज बना है, आज उसकी माँ भीख मांगेगी, और ये पीएन सिंह, ये यशवंत सिन्हा, ये जयंत सिन्हा, ये संजय सेठ, इन राजा बनेगा। 26 को ये नवादा का बिरंची नारायण 500 करोड़ का अस्पताल बनाएगा, ये लोग 500 करोड़ का अस्पताल बनाएगा रे, चाहिए मीडिया वालों।
कहीं श्री माता का मां जिंदा है। हम दो दो बार उनका घर गए हैं, पलस्तरा में हुआ है, एक एमपी का घर है सिर्फ पलस्तरा में हुआ है, भाई विकलांग है, दवा नहीं मिलता है, साला इन लोग राज लूट के ले गया रे, राज लूट के ले गया रे। जगह जितने मीडिया कर्मी है जगह देखिए, झारखंड के सुनील महतो का हाल, बूढ़ी माँ 95 साल उम्र हो रहा है, साल भर इंतजार करती है कि कोई आएगा, रीगल मैदान में टुसू का मेला लगा है, उसमें 1 लाख रुपया बचेगा, वो पैसा हमको देगा, उससे हम अपना बुढ़ापा काटेंगे, उससे अपना विकलांग बेटा का इलाज करेंगे, और यहाँ नवादा वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाएगा, यहाँ यहाँ बलिया का के कोयला का राजा बनेगा रे। इतना कमजोर झारखंडी, इतना कमजोर झारखंडी, चुनाव पर पाने में डूब मरना चाहिए।